नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल पे। ये भाग तीन है। अगर आपने भाग एक और भाग दो नहीं देखा हुआ है तो उसे आप देख लीजिए, जिसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि ड्रमस्टिक की खेती कैसे करते हैं और इसकी खेती के दौरान जो भी प्रैक्टिसेस करनी है वो हम आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं। भाग एक में हमने आपको बताया था कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, बेड कैसे बनाने हैं, बीज की ट्रीटमेंट कैसे करनी है और बीज बुआई कैसे करनी है। उसके बाद भाग दो में हमने आपको बताया था कि खरपतवार का नियोजन कैसे करना है, उसके बाद जहाँ पे बीज नहीं उगाए हैं वो गैप फिलिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो आज का जो है ये तीसरा भाग है जहाँ किस तरीके की ड्रेंचिंग करनी है, ड्रेंचिंग में क्या क्या इस्तेमाल करना है। साथ में हम लोग बताएंगे कि पौधों में जो है किस तरह की कीट या रोग आ सकते हैं और आने के बाद किस तरह की कीटनाशक फफूंदनाशक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पौधों का विकास नहीं हो पा रहा है या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर पौधे जो है वो छोटे हैं, तो उनके लिए हम क्या करें, कौन सी टॉनिक का यूज़ करें या कौन सी खाद का यूज़ करें और उसके लिए क्या प्रयोजन करना है, ये भी हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। बुवाई के ठीक 15वें दिन से आपको पौधों को ड्रेंचिंग करनी है। शुरुआत में 15 से 30 दिनों तक, यानी कि 15वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन और 30वें दिन, यानी कुल मिला के 4 ड्रेंचिंग हर 5 दिन के अंतराल पर करनी है। ड्रेंचिंग आप हाथों से ले सकते हैं या फिर स्प्रे पंप के आगे का नोजल निकाल के भी ले सकते हैं। पंद्रहवें दिन पे पहला ड्रेंचिंग देखते हैं। 1 एकड़ में 8x10 पे 550 पौधे लगते हैं। हर एक पौधे को आपको 200 मिली की ड्रेंचिंग करनी है, तो उस हिसाब से 550 पौधे गुना 200 मिली पानी, 110 लीटर पानी की मात्रा की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इस 110 लीटर पानी में आपको मिलाना है 19-19-19 500 ग्राम, 12-61-0 500 ग्राम, कीटनाशक क्लोरोपाइरिफॉस 50% 100 मिली, नीम करंज ऑयल 250 मिली, फफूंदनाशक रोको या बायोस्टिन इनमें से कोई एक 100 ग्राम और कोई बायोस्टिमुलेंट 500 मिली, इसका एक साथ घोल बना के पौधे के तने के पास आपको उपयोग करना है। इसी तरह से 20वें दिन आपको दूसरा ड्रेंचिंग लेना है। फिर से आपको 110 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको लेना है रूट स्पेशल 1 लीटर, 19-19-19 500 ग्राम, 12-61-0 500 ग्राम, चिलेटेड कैल्शियम 100 ग्राम, चिलेटेड जिंक 100 ग्राम, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 250 ग्राम, बोरॉन 100 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम। 25वें दिन आपको तीसरी ड्रेंचिंग लेनी है, उसमें आपको लेना है 110 लीटर पानी, 12-61-0 1 किलो, 0-0-50 आधा किलो, माइकोराइजा 1 लीटर और इसमें डालना है आपको गुड़, वो है 500 ग्राम। इसके बाद जो है चौथी ड्रेंचिंग वो आपको 30वें दिन पे लेनी है बुआई से 110 लीटर पानी में, 13-40-13 1 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट आधा किलो, बस इतना ही। ड्रेंचिंग में दी गई सभी वस्तुएं वैसे तो बहुत ही आसानी से आपको किसी भी मार्केट या आसपास के दुकानों में मिल जाएगी। रूट स्पेशल, माइकोराइजा और प्रोटीन हाइड्रोसलेट अमीनो एसिड बायोस्टिमुलेंट आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करना बहुत ही आसान है, बस व्हाट्सएप करें। हम एक किसानों द्वारा निर्मित संस्था है और किसी भी स्थानीय या फिर ऑनलाइन दुकानें के मुकाबले में सभी वस्तुएं किफ़ायती दामों में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा और इसे आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए। आपका पौधा अपने विकास के लिए किसी भी खास प्रोडक्ट पर निर्भर या उसका मोहताज नहीं है। आपके खेतों की मिट्टी जिस पत्थर से बनी हुई है, उस पत्थर में जो भी तत्व थे वही तत्व कम या ज्यादा मात्रा में आपकी मिट्टी में पाए जाते हैं। पौधे की शुरुआती विकास में जो भी तत्व उसे चाहिए वो उसे आसानी से उचित मात्रा में और सही समय में उपलब्ध हो, इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का यहाँ पे सुझाव दिया है। किसी भी प्रोडक्ट को अपना अपनी खेती या फसलों का भगवान मत बना देना। जब भी कोई फसल अच्छी आती है किसान प्रोडक्ट की पुड़िया अदब से लेके खड़ा हो जाता है, बाजू में कोई कंपनी वाला घटिया से स्माइल देते हुए
किसान के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आता है और ये दर्शाया जाता है कि इसी की बदौलत फसल अच्छी आई है। मत करिए ये सब फोटो सेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम और जरूरी है हमारे विकास के लिए, लेकिन उनका उपयोग पर्यावरण के साथ हो उसके खिलाफ नहीं। कभी उस मिट्टी में काम करने वाले सूक्ष्म जीवाणु का, आपके यहाँ के सूर्य प्रकाश, जल, वायु और पर्यावरण का, पौधे की अपनी मेहनत और अंत में आपकी सूझबूझ को ही अच्छी पैदावार का श्रेय जाना चाहिए। इन सभी नैसर्गिक तत्वों के सामने चाहे कितनी भी अच्छी दवाई हो, ये बहुत ही टुच्ची और निचले स्तर की मार्केटिंग है। इन सभी वस्तुओं का सही जानकारी के साथ सही समय पे सही मात्रा में और सही परिस्थितियों में पर्यावरण के साथ इस्तेमाल करना सीखे, इनको हर हालात में अनिवार्य मत बनाइए। इसके अलावा शुरुआती विकास के दौरान पौधे को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इल्लियां। जैसे ही पौधा उग आता है उसका ऊपरी भाग ये इल्लियां खा जाती है या इसको तोड़ देती है, इन्हें कटवर्म बोलते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे रूट ग्रब्स जैसे कि हुमनी, दीमक या फिर स्नेल की भी समस्या हो सकती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए क्लोरोपाइरिफॉस और नीमकरण जैसे कीटनाशकों का उपयोग हमने ड्रेंचिंग के दौरान किया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ और उपाय यहाँ पे हमने दिए हुए हैं जिसका आप समय समय पे उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिक बारिश, अधिक पानी या गलत मात्रा में सिंचाई की वजह से पौधे सड़ना, गिरना या मरना शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम जड़ों में सड़न, कॉलर रॉट या फुजेरियम जीवाणु या बीजाणुओं का प्रकोप कह सकते हैं। इसके प्रबंधन के लिए हमने पानी का निकास होने वाली मिट्टी का चुनाव करना है, बेड और ड्रिप सिस्टम का उपयोग करना है और साथ में बुआई के लिए सही मौसम का भी इंतजार करना है। इसके बावजूद भी यदि ऐसी समस्या आती है तो उसे भी ध्यान में रखते हुए फफूंद नाशक का उपयोग हमने ड्रेंचिंग द्वारा किया है। इसके अलावा भी आपको कोई और अन्य सुझाव चाहिए तो वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने समस्याओं की जानकारी बताई हुई है और उनकी पहचान के लिए फोटो भी दी हुई है और साथ में उनके उपाय भी दिए है, तो इन सब जानकारी का इस्तेमाल करना सीखो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अंतर फसल के बारे में, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। हम लोगों ने यहाँ पे जो है उड़द किया हुआ है अंतर फसल के तौर पे, वो देखते हैं। चलो अंत में बात करते हैं कि पानी कितना देना है या सिंचन कितना करना है। अभी तक इसको जो है एक या दो बार ही पानी दिया गया है, बाकी तो ये बारिश के ऊपर ही जो है जितनी भी इसका विकास हुआ है, ग्रोथ हुआ है, ये बारिश की वजह से ही हुआ है, तो इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिट्टी में नमी है लेकिन गीलापन बिल्कुल नहीं है, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल मिट्टी जो है खुली है। तो इसी तरीके की मिट्टी में जो है बढ़िया ग्रोथ होती है। जैसे ही यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी पत्ते पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सिंचाई को ठीक करिए। सिंचाई कब, कितनी मात्रा में, कितने दिनों में करनी है, इसके लिए आपको अपने खेतों में जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मिट्टी की नमी के हिसाब से उसका निर्णय लेना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ड्रमस्टिक की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपको अगर जानकारी की जरूरत है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए इन वीडियो सीरीज को, ताकि आपको पता चले कि इसमें किस तरीके की प्रैक्टिसेस होती है, कम खर्चे में अधिक से अधिक पैदावार किस तरीके से ली जाती है, यही हम आपको दिखाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार नई समस्या और नई जानकारी के साथ।